हेलो दोस्तों आप सभी so, का स्वागत है ओनली सक्सेस एकेडमी में माय नेम इस केशव कटोच सो एफ़ सीडीएस सी और इंडिया का एग्जामिनेशन जो है वो अभी इन दो महीने में हो जाएगा 27 28 को आपका uh, 26 से आपके एफ का एग्जामिनेशन है और उसके बाद आपका एनडीए एंड आपका सीडीएस का एग्जामिनेशन भी है सो देखिए अभी एफकेट का जो एग्जामिनेशन है उसमें कई सारे जो आर्टिकल्स हैं कभी इंडियन पॉलिटी से पूछे जाते हैं और बाकी आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं चाहे आप एस का एग्जाम देते हैं सी का एग्ज़ाम देते हैं तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं सो मैंने कम्बाइनली सभी आर्टिकल्स बनाए अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको कहीं पर भी कहीं और जाने की जरूरत नहीं है आपको कहीं से भी कोई करंट अफेयर्स सॉरी आर्टिकल्स निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको बुक से कि आपको कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है तो कई बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है तो इसी वीडियो से आपकी सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी आप एक बार इस वीडियो को पढ़ लीजिए देख लीजिए नोट डाउन कर लीजिए तो आपके लिए ये बेटर हो जाएगा आपके एग्जामिनेशन के लिए तो इसके बाहर आपको कुछ नहीं आएगा सो सबसे पहले अगर हम बात करें सो so, हमारे पास आर्टिकल आते हैं जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो उसमें सबसे पहला आपका आता है पार्ट वन आपका आता है पार्ट टू आता है है ना तो यहाँ पे पार्ट वन की जब हम बात करते हैं तो पार्ट वन में आपका होता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है ना किसका आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात की जाती है यूनियन टेरेटरी की बात नहीं है यूनियन एंड टेरेटरी है ना हमारे देश में जो टेरिटरीज़ हैं उनके बारे में बात की है तो हमारी टेरिटरी कौन सी होती है एक आपकी यूनियन की टेरिटरी होती है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया की है फिर हमारी स्टेट्स की टेरिटरी है अपनी और वो टेरिटरी जो कि हम क्या करेंगे कैप्चर करेंगे मतलब जैसे सपोज करो कि आज हमने पाकिस्तान को कैप्चर कर लेते हैं तो पाकिस्तान की टेरिटरी भी हमारे में मिल जाएगी तो ये टेरिटरी भी हमारी कहलाई जाएगी सो आर्टिकल वन की जब बात करते हैं इस पर कई बारी क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल वन डिस्क्राइब क्या करता है आर्टिकल डिस्क्राइब करता है भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स कभी भी फेडरल वर्ड यूज़ नहीं किया गया है कभी इसने बोला है रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स कभी यूज नहीं किया है फेडरल कंट्री हमारी है बट हमने हमेशा अपने आप को यूनियन ऑफ स्टेट्स ही बताया गया है फेडरल वर्ड यूज़ नहीं किया फेडरल फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बट कभी भी हमने इसको फेडरल कंट्री नहीं बोला है आर्टिकल टू कहता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स देखो आर्टिकल टू किस बारे में बात करता है कि अगर सपोज करो ये आपका इंडिया है है ना तो इसमें जो आपकी एग्जिस्ट जो सपोज करो ये वाला पार्ट जो है ये डिफरेंट कंट्री है और ये वाला पार्ट डिफरेंट कंट्री है तो जब आप इसको अपने अंडर ले लोगे तो इसकी टेरिटरी को किस हिसाब से डिवाइड करोगे ये आपका आर्टिकल टू डिसाइड करेगा मैं फिर से बता रहा हूँ जो टेरिटरी हमारी नहीं है उनको जब कैप्चर करके आप उनका डिवीजन करते हो वो आर्टिकल टू के अंदर करोगे सिंपल वे में आपने ध्यान में रखना न्यू स्टेट्स आर्टिकल थ्री कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज़ बाउंड्रीज नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स अगर आप इंडिया की अभी अगर बात करते हो तो इंडिया में आपकी ट्वेंटी एट स्टेट्स हैं है ना ट्वेंटी एट स्टेट्स को अगर आप डिवाइड करते हो तो हमने हमारे देश में सपोज़ करो कि आपका आंध्र प्रदेश था तो आंध्र प्रदेश को काट के हमने तेलंगाना बनाया और आंध्र प्रदेश बनाया है ना तो हम अपनी स्टेट को डिवाइड कर सकते हैं उनके एरिया को कम ज़्यादा कर सकते हैं उनका नाम भी चेंज कर सकते हैं और याद रखना ये दोनों करने की आ जो पावर है वो किसके हाथ में है वो पार्लियामेंट के अभी मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा बट मैं इतना बताता हूँ तो कि इसकी पावर किसके पास है पार्लियामेंट के पास इसके पास जो है वो इसकी पावर है तो आर्टिकल थ्री एग्जिस्टिंग स्टेट्स आर्टिकल टू जो है वो किसकी बात करता है वो बात करता है जो स्टेट्स हमारी अभी हम कैप्चर कर लेंगे और वो नई स्टेट्स हम बनाएंगे नेक्स्ट आता है फंडामेंटल राइट देखो कोई भी एग्जामिनेशन आप देते हैं चाहे आप सी का एग्जामिनेशन देते हैं तो आपको मैच द फॉलोइंग में भी कभी कभी क्या दे दिया जाता है ये क्वेश्चन दे दिया जाता है या फिर आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा जो है वो फंडामेंटल राइट right नहीं है या इस, में, इस आर्टिकल में सपोज करो ये आर्टिकल्स दे दिए जाएंगे कौन सा रॉन्ग वन है है ना तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम सभी को पता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स छः फंडामेंटल राइट्स हैं सबसे पहला राइट टू इक्वलिटी जो कि आर्टिकल फोर्टीन टू एटीन है आर्टिकल 14 के एक्सप्लेन करता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ इन इक्वल प्रोटेक्शन लॉ मतलब जितने लॉ के प्रति जो भी है वो सब कुछ इक्वल है अमीर गरीब छोटा बड़ा सब बराबर हैं जब आप लॉ वोलेट करोगे तो वो लॉ एप्लीकेबल जब होगा तो वो सब पे इक्वली एप्लीकेबल होगा और उसके एप्लीकेबल एप्लीकेशन जो है उसकी वो जैसी होनी चाहिए वैसी सब पे होगी चाहे वो छोटा होगा या बड़ा होगा अमीर होगा या गरीब होगा चाहे मिनिस्टर है चाहे प्राइम मिनिस्टर है सेकेंड so आपका आता है आर्टिकल फिफ्टीन ये तो मूवी भी देखी होगी आपने आयुष्मान खुराना की है ना जिसमें क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इन ग्राउंड्स पे नहीं होना चाहिए अगर इन ग्राउंड्स पे रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पे अगर आपका डिस्क्रिमिनेशन होता है तो आर्टिकल फिफ्टीन आपका वायलेट होता है आर्टिकल सिक्सटीन जो कि कहता है कि हमारी अपर्चुनिटी मिलेगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी अब यहाँ पे आप रिजर्वेशन का कंसेप्ट ना लेकर आइए क्योंकि इसमें सरकार ने ऑलरेडी अमेंडमेंट्स किए हैं जैसे रिसेंटली अमेंडमेंट आपका ई का अमेंडमेंट किया है जिसमें टेन परसेंट रिजर्वेशन दी जाएगी जनरल कास्ट वालों को इसी तरीके से एस सी और ओ के लिए भी रिजर्वेशन है एजुकेशन में भी है और आपके जॉब्स में भी है आर्टिकल सेवनटीन बात करता है अनटचबिलिटी का अबोल्यूशन ठीक है आर्टिकल सेवनटीन अनटचबिलिटी का करता है आर्टिकल 18 कहता है कि हम अपने साथ टाइटल्स नहीं लगा सकते राजा महाराजा जो कि एक तरीके से इक्वालिटी को भंग करता है उसको नहीं लगा सकते हाँ बट हम मिलिट्री और एकेडमिक जैसे आप एकेडमिक का होता है आप डॉक्टर लगा लेते हो असिस्टेंट प्रोफेसर लगा लेते हो लेक्चरार लगा देते हो मिलिट्री रैंक कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल लगा लेते हो वो आप लगा सकते हो पर ये नहीं आते इसके साथ आप भारत रत्न पद्मश्री पद्म विभूषण ये चीज़ें भी अपने साथ लगा सकते हो क्योंकि एक चीज़ आपने कमाई है ये समाज से आपको अलग नहीं करती बट ये आपका एक तरीके का कमाया हुआ एक रुतबा है जो आपके साथ लगा है उसके बाद है राइट टू फ्रीडम राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 से 22 के बीच में अब आर्टिकल 19 जो है ना इसमें हमारे सिक्स राइट्स आते हैं सिक्स राइट्स की बात की जाती है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो कि आजकल हमारे देश में सबसे ज़्यादा डिस्कशन में रहता है राइट टू असेंबल हम कहीं पे भी असेंबल हो सकते हैं एसोसिएशन बना सकते हैं किसी भी देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं किसी भी घर में हम किसी भी देश में किसी भी कोने में घर ले सकते हैं और कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं बट याद रखना इन सब पे रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट लगा सकती है जैसे आपको एसोसिएशन बनानी तो अब ऐसा नहीं है कि आप ऐसी एसोसिएशन बना लो कि जो देश के लिए ख़िलाफ़ हो आप ऐसे मूवमेंट आप मूवमेंट का मतलब आप कहीं पर भी जा सकते नहीं जा सकते आपका अगर आपने इनर लाइन परमिट का नाम सुना हो इनर लाइन परमिट में क्या होता है कि आप किसी ट्राइबल एरिया में नहीं जा सकते जैसे अरुणाचल प्रदेश में इनर लाइन परमिट है मिजोरम में इनर लाइन परमिट है मणिपुर में है नागालैंड में है तो इनर लाइन परमिट का मतलब यहाँ पे तो आप खुद एक सिटीजन हो के भी नहीं जा सकते तो इन जगह पे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है आपको जाने के लिए मिलिट्री कैंट में नहीं जा सकते प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं जा सकते ऐसा तो नहीं कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आप किसी के घर में घुस जाओ रेजिडेंस का मतलब आप हर जगह पर नहीं घर ले सकते जैसे आप हिमाचल में देखेंगे तो हिमाचल में आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते ट्राइबल एरिया में प्रॉपर्टी नहीं ले सकते तो कुछ जगह पे सरकार रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगा सकती है और प्रोफेशन भी अगर आपको चूज करना है तो वो प्रोफेशन की आपके पास ऑफिशियल प्रोफेशनल डिग्री भी होनी चाहिए अगर आप बी अगर आप टेक्निकल में जाना चाहते हैं तो आपके पास टेक्निकल उसकी आ, उतनी क्वालिफिकेशन भी आपके पास होनी चाहिए है ना आप जब एग्जाम भरते हो सपोज करो आप सी भर रहे हो एफ भर रहे हो तो उसमें आपका क्या होता है उसमें आपको दिया जाता है कि एक टेक्निकल होता है जिसके लिए बी टेक मांगते ही मांगते हैं वो और एक होता है नॉन टेक्निकल जिसमें एक बी वाला पर्सन भी आराम से फॉर्म भर लेता है तो प्रोफेशन आप कोई भी चूज कर सकते हैं बट उसके लिए आपके पास प्रोफेशनल एज और प्रोफेशनल डिग्री दोनों होना जरूरी है आप समझना उसके बाद है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस मतलब जब आपने कोई ऑफेंस किया है आपको अरेस्ट किया गया है तो उसके बाद आपके कुछ राइट्स है, हैं है ना ये राइट्स हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी मैं जस्ट इतना बता रहा हूँ आपको ओवरऑल आर्टिकल ट्वेंटी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी याद रखना 20 और 21 नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे कभी भी अबॉलिश नहीं होते हैं याद रखना है इस बात को सो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आपको जीने का हक है आप जी सकते जी हो बट कैसे जियोगे आप आप पार्लियामेंट लॉ के अंडर जियोगे ये हमारा कहता है है ना आपका क्या आता है आप किस तरीके से जीते हो जैसे कि लॉ कहेगा आप लॉ के अंडर ही चलते हो रूल ऑफ लॉ ही चलता है हमारे देश में है ना राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन है कि राइट टू एजुकेशन की बात की जा रही है राइट टू एजुकेशन कौन कब आया हमारा एटी सिक्सथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दो हज़ार दो के अंदर हमारा राइट टू एजुकेशन आया जो कि हमारी एक फंडामेंटल राइट right भी और एक हमारी इलेवंथ फंडामेंटल ड्यूटी भी आता है हमारा ठीक है ना प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट डिटेंशन इन सर्टन केसेस जब आपको अरेस्ट किया जाता है सपोज़ करो आप अगर पुलिस आपको अरेस्ट करने आई है तब आपके क्या अधिकार हैं जैसे इसमें आपके दो प्रकार के अरेस्ट होते हैं एक आपका होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक आद का होता है पुनियटिव डिटेंशन प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है कि जब आप कोई क्राइम कर सकते हैं जैसे सपोज करो कि कहीं पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रैली है और रैली में आपका ये आप ओपोजिशन पार्टी के हैं और आप यहाँ पे हड़कंप मचा सकते हो जो कि पीएम की सिक्योरिटी के लिए हानिकारक तो पुलिस वहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर आपको अरेस्ट कर सकती है या फिर जैसे धारा 370 जब कश्मीर से हटाई गई तो जितने भी हुरियत के लीडर हैं और कश्मीर के लीडर उन सबको हाउस अरेस्ट कर दिया गया वो एक प्रिवेंटिव है प्रिवेंट का मतलब कि आप लोगों को भड़का सकते हो वहाँ पर दंगे हो सकते हैं कभी सी चीज़ें हो सकती हैं ये होता है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन पिनेटिव डिटेंशन होता है जब आप ऑलरेडी करा कर चुके हो क्राइम जब आप कर चुके हैं तो जब आप जाते हो तो आपको अपना वकील करने का हक है आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा आप जान सकते हो कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है ये सारी चीज़ें आपकी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस में आता 22 है ये आर्टिकल ट्वेंटी है ठीक है आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा उसके बाद आपका आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन एक्सप्लोटेशन क्या है ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती फोर्स लेबर नहीं आपकी आ सकती दैट इज आर्टिकल 23 चाइल्ड लेबर के लिए बच्चों को फैक्ट्री में चौदह साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते दैट इज आर्टिकल ट्वेंटी फोर इट इज वेरी डिटेल फॉर्म बट आई इम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द आर्टिकल्स ऑफ दीज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द फंडामेंटल राइट देन वी टॉक अबाउट द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपको धर्म से रिलेटेड भी आपके राइट टू फ्रीडम है दैट इट ऑल्सो डिक्लेयर दैट इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री सेकुलरिज्म बहुत डीप कंसेप्ट है बट अगर आप नॉर्मल देखोगे इंडियन सेकुलरिज्म इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न सेकुलरिज्म इन इंडिया रिलीजन इज टोटली रिलेटेड टू इन इंडिया रिलीजन इज टोटली रिलेटेड टू पॉलिटिक्स मतलब रिलेटेड टू का बोलने का मतलब मेरा यहाँ पे है कि दोनों इकट्ठे चलते हैं अगर पॉलिटिक्स अगर कोई लॉ बनाती है तो वो रिलीजन को देख कर बनाती है आपने ये ध्यान में रखा होगा को कोई भी लॉ बनता है तो रिलीजन को देख के होता है क्योंकि लॉ कभी भी किसी एक रिलीजन को फेवर नहीं करेगा है ना तो ऐसा लॉ नहीं बनता हमारे देश में इसलिए इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट बट अगर आप वेस्टर्न सेकुलर की बात करोगे वेस्टर्न सेकुलरिज्म की बात करोगे तो वेस्टर्न सेकुलरिज्म कहता है तो वहाँ पे पॉलिटी पॉलिटिक्स और रिलीजन दोनों क्या है सेपरेट अगर अमेरिका अमेरिका में अगर आप देखोगे अमेरिका भी सेकुलर कंट्री है यहाँ पे आपको अपने धर्म का प्रचार करने का हक है बट जब वहाँ पे लॉ बनाया जाएगा तो वो किसी धर्म को नहीं देखा जाएगा वो देखेंगे अगर कंट्री के लिए लॉ एप्लीकेबल है कंट्री के लिए ज़रूरी है तो वो उस लॉ को बनाएंगे ही बनाएंगे अदरवाइज वो उस लॉ को नहीं बनाएंगे तो वो रिलीजन को नहीं देखते दैट्स वाई वी कॉल दैट इंडियन सेक्युलरिजम टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न सेकुलरिज्म ठीक है ना सो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है आर्टिकल ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी एट ट्वेंटी फाइव का मतलब है कि आप फ्रीडम ऑफ कंसाइन्स ऑफ़ फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन आप धर्म में किसी भी तरीके से भगवान के साथ कोई भी रिलेशन रख सकते हैं किसी भी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं धर्म का प्रचार कर सकते हैं आपको फ्रीली कर सकते हैं बट आप किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं कर सकते वर्टिकल ट्वेंटी फाइव कहता है देन कहता है फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर ये एक प्रैक्टिकली पूरा सोशल पैटर्न के हिसाब से बोल रहा है ये इंडिविजुअल क्या राइट होता है दिस इज अ फॉर ए इंडिव्यूजुअल एंड दिस इज फॉर अ होल सोसाइटी कि आप कोई भी अपने रिलीजियस अफेयर है उनको क्या कर सकते हो बना सकते हो आप किसी भी डिनोमिनेशन सपोज करो मैंने कोई एक रिलीजियस डिनोमिनेशन बना डोमिनेशन बनाना है अगर मैंने बनाना है कि ये मेरी एक संस्था बनेगी उसका भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप किसी को रिलीजियस संस्था कब मानोगे तो उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजन हैं ओके उसके बाद है फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेज फॉर प्रमोशन ऑफ एन रिलीजन आपके किसी भी जो धर्म होता है ना कोई भी आज के मंदिर वगैरह होते हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है रिलीजन की से रिलेटेड कोई भी मनी होगी उससे पर टैक्स नहीं लगेगा या आप ध्यान में रखना जब एस ने केस हुआ था जब गोल्डन टेम्पल जो हमारा अमृतसर में है तो जब जी आया था तो जी लगता था गोल्डन टेम्पल के लंगर के ऊपर तो उस टेम ये बात की गई कि गोल्डन टेम्पल जो है वो एक रिलीजियस प्लेस है और उसके लंगर पर टैक्स लगाने का को कोई मतलब ही नहीं बनता क्योंकि वो हमारा आर्टिकल ट्वेंटी सेवन हर्ट होता है उससे है ना तो वो हटा दिया गया बाद में उससे जी जो है वो हटा दिया गया था सो टैक्स नहीं लगेगा कि किसी भी Uh, क्या बोलते हैं कोई भी रिलीजन के प्रमोशन पे सरकार अगर किसी एक रिलीजन से पैसा ले रही हो एक से नहीं ले रही तो वो एक तरीके से राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ख़िलाफ़ आता है बट हाँ यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि फ़ी चार्ज की जा सकती है जैसे सपोज़ करो अभी जन्माष्टमी थी तो जन्माष्टमी में वो जो हांडी तोड़ते हैं तो उसमें पूरा फंक्शन होता है तो उसमें पुलिस की सिक्योरिटी जो लगती है तो ऑर्गेनाइजर जो पुलिस की सिक्योरिटी मांगेंगे उसके लिए पुलिस क्या कर सकती है फ़ी चार्ज कर सकती है गणपति विसर्जन जब होता है उस टाइम पे अगर पुलिस लग रही है तो उसके लिए पुलिस क्या करती है फी चार्ज करती है वो लग सकता है दैट इज़ फॉर द प्रोटेक्शन ओके नेक्स्ट फ्रीडम ऑफ अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दैट इज आर्टिकल ट्वेंटी आर्टिकल 28 क्या कहता है कि आप कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो अपनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हो बट याद रखना कोई भी रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूट है या इंस्ट्रक्शन सेंटर है वो टोटल किसके अंडर होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होना चाहिए इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किसी ना किसी के स्टेट के अंदर होना चाहिए ठीक है आई होप तक क्लियर है आप सभी को अब आपका अगला आर्टिकल आता है दैट इज कल्चरल एंड एजुकेशन राइट आर्टिकल 29 से 30 तो इसमें पहले 29 में क्या है कि आपके लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर जो माइनॉरिटीज होती हैं यहाँ पे माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों को अपना कल्चर प्रिजर्व करने के अधिकार है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आर्टिकल उनतीस जो है वो दोनों पे अप्लाई होता है कि वो अपनी लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके आर्टिकल थर्टी कहता है कि जो आपकी रिलीजियस uh, uh, या सॉरी आपकी जो माइनॉरिटीज़ हैं वो क्या इस्टेब्लिश कर सकती हैं वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकती हैं ताकि वो अपनी लैंग्वेज को क्या कर, अपने culture को कर सके अपने कल्चर को प्रमोट कर सकें ओके एंड लास्ट आपका आता है आर्टिकल थर्टी टू जिसको हम बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अभी तो यहाँ पर इसमें तो सुप्रीम कोर्ट का ही बताया देखो हमारे अगर फंडामेंटल राइट right कोई भी हर्ट करता है तो हमारे पास रिट्स दी हुई हैं ठीक है ठेके? कितनी रिट्स है हमारे पास पांच हेबस कॉर्पस है हमारे पास हेबस कॉर्पस मैंडमस प्रोहिबिशन सर्टेरियन के ओवरेंटो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही सिर्फ रिट डालने आप रिट डाल सकते हो इन्हीं के पास पावर है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल थर्टी के अंडर रिट लेता है और हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल टू के अंडर लेता है बट एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट एंड लीगल राइट दोनों से रिलेटेड रिट लेता है और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट से रिलेटेड right ही रिट लेगा तो यहां पे एक क्वेश्चन आया था एक बार सीडीएस में कि स्टेटमेंट थी कि हाई कोर्ट की जो रिट की पावर है वो एज कंपेयर टू ज्यादा एक्सपेंडेड है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट मतलब तो हाई कोर्ट की रिट पावर ज्यादा है क्योंकि वो फंडामेंटल लीगल राइट दोनों से ले सकता है बट यहां पे सिर्फ और सिर्फ किससे है फंडामेंटल राइट right से ठीक है ना सो ये ध्यान में रखना अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है राइट टू प्रॉपर्टी हमारा सेवन्थ फंडामेंटल राइट होता था जो कि अबॉलिश कर दिया गया और उसको क्या बना दिया गया अब एक लीगल राइट right बना दिया गया तो उसको लीगल राइट right कौन से अमेंडमेंट के अंडर बनाया था फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी एट के अंडर हमने राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट right बनाया और उसको किस आर्टिकल में डाला आर्टिकल थ्री हंड्रेड है और पार्ट कौन सा था हमारा सेवनटीन तो ये आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इट्स ट्वेल्व ओके ठीक है सॉरी मैंने यहाँ पे कुछ बोला इट्स ट्वेल्व हाँ ना तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है पेपर में नेक्स्ट है अब आपसे आप पूछते हैं डीपीएसपी देखो डीपीएसपी जो है इनसे भी क्वेश्चन आपको आता है सो so, डीपीएसपी जो है डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो कि आपके आर्टिकल थर्टी सिक्स टू आर्टिकल फिफ्टी वन तक आपको मिलेंगे सो डी पी जो है आर्टिकल थर्टी सेवन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी को नॉन जस्टिस कौन सा आर्टिकल बताता है दैट इज आर्टिकल थर्टी सेवन जैसे हमारे फंडामेंटल राइट जस्टिस एबल आपको रिट डालने का हक है पर डीपीएसपी के लिए सरकार के पास कोई हक नहीं है ना किसी क्या बोलते हैं पर्सन के पास हक है कि आप सरकार को कोर्ट में घसीट सको रिगार्डिंग द डी पी एस पी दीज आर द प्रिंसिपल डी पी एस पी आर द प्रिंसिपल दीज आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डायरेक्शन एंड पॉलिसी स्टेट्स के पास एक पॉलिसी है है ना डी पी एस पी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट के कुछ डायरेक्टर्स हैं प्रिंसिपल है जो कि स्टेट पॉलिसी को बनाने में मदद करते हैं तो डी का मतलब है कि अगर कोई स्टेट अपनी पॉलिसी बनाते वक्त इन डी का यूज़ करती है और किसी डी का यूज़ नहीं करती है तो आप कोर्ट में नहीं घसीट सकते डी तो 36 से 51 के बीच में है अगर एक किसी स्टेट ने नहीं अप्लाई किया एक किसी स्टेट ने नहीं अप्लाई किया तो आप उस स्टेट को कोर्ट में नहीं घसीट सकते क्योंकि डी ओपन रखे हमने कि ये फंडामेंटल तो हैं बट इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द स्टेट ठीक है ना सो दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स फॉर देर वायलेशन अगर नहीं डालते तो कोर्ट्स लीगली रिट डाल के आप उस पर कुछ नहीं कर सकते समझ आ रही है सभी को ओके आर्टिकल फोर्टी विलेज पंचायत ये गांधीयन प्रिंसिपल है हमारा देखो इसी विलेज पर आर्टिकल फोर्टी से ही हमारा क्या बना पंचायती राज सिस्टम बना सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट के अंडर हमारा पंचायती राज सिस्टम जो बना जिसको हमने कॉन्स्टलाइज किया 1992 के अंडर पूछा जाता है उसका बेस क्या है दैट इज आर्टिकल फोर्टी आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड सिविल कोड सिविल का मतलब सिविल लॉज यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसे देखो हमारे देश में रिलीजियस जितने भी लॉज हैं चाहे आपका डावोर्स का हो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ डैवोर्स हो गया एक मैरिज हो गया मैरिज करने का कोई लॉ क्या सिंपल रजिस्टर्ड करा लो चाहे कोर्ट मैरिज करा लो चाहे हिंदुइज़म के थ्रू करा लो चाहे मुस्लिम्स के थ्रू करा लो कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा पर डेवोर्स का आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन में ट्राइबल्स हैं सब हैं उनके सबके अपने डिवर्स के रीजन अगर किसी लड़के जैसे आप ट्रिपल तलाक का ही लेते हो तो ट्रिपल तलाक में क्या था वो एक तलाक था मुस्लिम्स में कि तलाक तलाक बोला और तलाक हो गया है ना वो एक उनका अपना एक वे था रिलीजियस वे था यूनिफॉर्म सिविल कोड जब बोलते हैं ना तो बोलते हैं जितने भी सिविल लॉज होंगे ना सिविल लॉ सिविल और क्रिमिनल लॉज में फर्क होता है जितने भी सिविल लॉज हो सारे के सारे क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे तो मतलब आपके मैरिज लॉ डेवोर्स लॉ और जितने भी आपके सिविल लॉज हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे इसमें इक्वल हो जाएंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाना इंडिया में बहुत मतलब इम्पॉसिबल नहीं बोलूंगा बट बहुत मतलब पेचीदा है क्योंकि वहाँ पे फिर आपका सेकुलरिज्म भी आ जाएगा है ना तो अभी आपने देखोगे कि कौन सी स्टेट है जहाँ पे फुली ये एप्लीकेबल है दैट इज गोवा गोवा इज़ द ओनली स्टेट जहाँ पे यू सी आपका लगा हुआ है तो 44 ध्यान में रखना 45 क्या कहता है एजुकेशन जीरो टू सिक्स ईयर्स के बच्चों को फ्री एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब नॉर्मल जो एजुकेशन आंगगढ़वाड़ी में जो हम देते हैं वो मिलनी चाहिए तो आपका अगर राइट टू एजुकेशन का बेस बोलेंगे कि कहां से है तो दैट इज योर आर्टिकल 45 क्योंकि राइट टू एजुकेशन क्या कहता है सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स के बच्चों को फ्री एजुकेशन देनी तो यहां पे जीरो टू सिक्स की बात की है बेस तो यही है आर्टिकल 48 कहता है हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना आर्टिकल फिफ्टी बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है इन विच आर्टिकल इट सेज दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं हमारे जैसे काउंसिल मिनिस्टर है ना ये हमारे एग्जीक्यूटिव जो इंप्लीमेंट करते हैं लॉ को तो जुडिशरी को टोटली सेपरेट होना चाहिए तो ये हमारा आर्टिकल 50 कभी कभी आपसे पूछते हैं जुडिशरी इज सेपरेट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ये क्या है ये फंडामेंटल राइट है डीपीएसपी है क्या है तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसके बाद आर्टिकल थ्री ए इन पार्ट आपका सेवनटीन अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो यही इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग अगर आपको मदर टंग में इंस्ट्रक्शन लेजिस्टेटिव असेंबली में क्या किया जाता है कि आप इंस्ट्रक्शन है या कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर उसको कोई कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी है कोई भी नोटिस डालना है तो मदर टंग में उसको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी ये आर्टिकल थ्री ए के अंडर आता है ये आपको ध्यान में है बिल्कुल सही होगा ओके okay? चलो नेक्स्ट है आपके कुछ एक्स्ट्रा आपको मैं यहां से डाल देता हूँ कि जहां तक हम पहुंचे हैं कुछ आपको यहां पे एक्स्ट्रा आप आर्टिकल्स देखेंगे आर्टिकल 51 वन ए जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है पार्ट फोर ए में आर्टिकल 262 क्या बात करता है हम इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट होते हैं हमारे जैसे आपने कावेरी वाटर डिस्प्यूट का नाम सुना होगा कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है इट इज़ बिटवीन द कावेरी वाटर डिस्प्यूट इज़ बिटवीन द केरला है ना पुडुचेरी पुडुचेरी एक आपकी यूटी है उसके बाद तमिलनाडु एंड आपका कर्नाटका तो ये जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स होते हैं वो आपके कौन से आर्टिकल के अंडर बनते हैं 262 इंटर स्टेट काउंसिल जो कि प्रेजिडेंट बनाते हैं हमारे जो हमारे प्रेजिडेंट हैं वो आपके इंटर स्टेट काउंसिल बनाते और इस इंटर स्टेट काउंसिल का जो चेयरमैन होता है वो हमेशा कौन होगा दैट विल बी पी एम सो ये आपकी आर्टिकल टू सिक्सटी थ्री के अंदर बनेंगी आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट क्या है अमेंडमेंट प्रोसीजर सिंपल आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट के अमेंडमेंट प्रोसीजर डील्स विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन और उसका प्रोसीजर तो ये आपका आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट है सेवेंटी फोर क्या बात करता है सेवेंटी फोर कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेडेंट कि प्रेजिडेंट को जो भी करेगा वो किसकी एड पर करेगा काउंसिल मिनिस्टर की एड पर करेगा मतलब प्रेजिडेंट को कोई भी ये काम बोलेंगे प्रेजिडेंट को करना पड़ेगा और प्रेजिडेंट इनसे पूछे बगैर कोई काम कर नहीं सकता क्योंकि प्रेजिडेंट की आप देखोगे तो आर्बिट्री पावर्स जो है बहुत कम है आर्बिट्री का मतलब होता है जो इंडिपेंडेंटली कुछ भी कर सकता नहीं कर सकता उसे कैबिनेट से काउंसिल मिनिस्टर से पूछना पड़ेगा पड़ेगा दैट इज आर्टिकल सेवेंटी आर्टिकल सेवेंटी कहता है यहाँ पे मैं इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा अदर प्रोविजन एज अ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट ऑन द बिहाफ ऑफ पी एम ऑन द बिहाफ ऑफ पी एम दी एम जिसका नाम लेगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर टोटली रिस्पांसिबल टू लोकसभा एंड दे आर इक्वली प्लेज एट ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट मतलब प्रेजिडेंट कभी भी इनको निकाल सकता है बट प्रेजिडेंट डायरेक्टली नहीं निकालेगा समझने की कोशिश करो इसको प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेडेडेडेडेड बाय द प्रेजिडेंट ये आपका आर्टिकल सेवेंटी फाइव में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट इट इज ऑल्सो इन आर्टिकल सेवेंटी फाइव बट काउंसिल मिनिस्टर कौन होंगे जो बोलेगा प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट अपनी मर्जी से नहीं कर सकते काउंसिल मिनिस्टर्स इक्वली रिस्पांसिबल टू द लोकसभा अगर लोकसभा भंग होगी तो काउंसिल मिनिस्टर को भी रिजाइन देना पड़ेगा ये भी इसके अंदर है दे आर इन द विद द प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट विद द प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट कि प्रेजिडेंट को कभी भी निकाल सकता है बट किसके कहने पर निकालेगा पीएम के कहने पर निकालेगा? निकालेगा ठीक है ये क्लियर है आर्टिकल सेवेंटी एट ये तो सीधा क्वेश्चन सी में पूछा गया था पिछली बार देखो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और ये हमारे कौन है ये हमारे काउंसिल मिनिस्टर हैं और ये हमारे कौन है प्रेजिडेंट साहब हैं तो प्रेजिडेंट कुछ भी अगर काउंसिल मिनिस्टर तक पहुंचाना चाहता है तो पीएम उनको बचाएंगे अगर काउंसिल मिनिस्टर कुछ पहुंचाना चाहते हैं तो पीएम वहां बचाएंगे तो ये मिडियोकर बिटवीन दीज सी, सी, सी एंड प्रेजिडेंट तो यही बोला ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द प्रेजिट वो आर्टिकल सेवेंटी एट कहता है तो ये क्वेश्चन तो आपका पूछा गया था सी में नेक्स्ट आपका आता है एमरजेंसी प्रोविजन्स एमरजेंसी हमारी तीन प्रकार की आप सभी को पता है आर्टिकल थ्री कहता है नेशनल एमरजेंसी आर्टिकल 355 कहता है कि ड्यूटी है यूनियन की जो स्टेट्स हैं उनको एक्सटर्नल ग्रेशन और इंटरनल डिस्टरबेंस से प्रोटेक्ट करना ये आपका क्वेश्चन नायब तहसीलदार ऑफ हिमाचल प्रदेश में आया हुआ है आर्टिकल 356 जिसको बी अंबेडकर ने क्या कहा था ये पेपर में आता है बी अंबेडकर ने क्या कहा था आर्टिकल 356 को ए डेड लेटर क्योंकि ये क्या कर देता है स्टेट मशीनरी को बिल्कुल ही खत्म कर देता है तो जब स्टेट मशीनरी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के साथ नहीं चलती है तो उसके ऊपर प्रेजिडेंट रूल लगा देता है इसको प्रेजिडेंट रूल भी बोलते हैं ठीक है ना इसको कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी भी कहते हैं स्टेट एमरजेंसी भी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी भी कहते हैं और प्रेजिडेंट रूल भी कहते हैं आर्टिकल 356 एक और तरीके से आपका प्रेजिडेंट रूल लगता है दैट इज आर्टिकल इसमें देखो मैंने लिखा हुआ है वैन एवर द स्टेट फेल्स टू कम्प्लाई और गिव इफेक्ट टू एनी डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर अगर स्टेट को कोई सेंटर की तरफ से डायरेक्शन दी गई है और इट विल बी लॉफुल फॉर द प्रेजेंट टू होल्ड द सिचुएशन हैज अराइजन अगर प्रेजेंट को लगता है कि स्टेट जो है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और सेंटर ने जो उनको बोला है वो उसके डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं जो कि उनको होना चाहिए तो सेंटर गवर्नमेंट उस स्टेट पर क्या लगवा सकती है आर्टिकल थ्री सिक्सटी फाइव के अंडर क्या लगवा सकती है एमरजेंसी लगा सकती है से वेरी डिटेल्स है मैं आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पर और आर्टिकल 360 जो कि हमारी थर्ड इमरजेंसी है दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आज तक हमारे देश में नहीं लगी है फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी आर्टिकल थ्री ए के अंडर नेक्स्ट है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया अब प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर कौन कौन से आर्टिकल है देखो फिफ्टी है कि प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया मतलब इस आर्टिकल में ही है प्रेजिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर ये पेपर में आ चुका है नायब तहसीलदार के पेपर में आ चुका है हिमाचल के ठीक है आप सभी को पता है मैं हिमाचल के एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कराता हूँ बच्चों की एच लेवल की कराता हूँ बच्चों को तो उसमें आपने ध्यान में रखना कि फिफ्टी में क्वेश्चन आया हुआ मतलब, है मतलब आर्टिकल फिफ्टी आया हुआ है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन फिफ्टी में इलेक्शन दिए गए हैं फिफ्टी में कैसे होंगे प्रपोशन रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होंगे टेन बताया 56 में आर्टिकल फिफ्टी में एलिजिबिलिटी बताई है री इलेक्शन की फिफ्टी एट में क्वालिफिकेशन बताइए प्रेजिडेंट की और सिक्सटी फोर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इम्पीचमेंट जो है वो सिर्फ इंपीचमेंट वर्ड सिर्फ प्रेजिडेंट के आगे लगता है बाकी सब क्या आगे आपको रिमूवल दिखेगा तो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है प्रेजिडेंट को किस तरीके से इम्पीच किया जा सकता है वो आपका प्रोसीजर सिक्सटी वन में आर्टिकल सेवेंटी टू पार्डोनिंग पावर्स मतलब किसी भी कोर्ट की पावर्स को क्या कर सकते हैं वो सस्पेंड कर सकते हैं मतलब कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन लिया किसी को फांसी की सजा सुनाई है तो उसको प्रेसिडेंट क्या कर सकता है खत्म कर सकता तो 72 के अंडर आपकी आ जाएगी पार्डोनिंग पावर्स है ना उसके बाद आर्टिकल 74 मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको कि वो सिर्फ प्रेजेंट के कहने पर प्रेजेंट जो है काउंसिल मिनिस्टर के कहने पे चलेंगे 111 किसी भी बिल को असेंट देना है विदहोल्ड करना है या फिर रिकनसिडरेशन के लिए भेजना है वो आर्टिकल एक में आएगा आर्टिकल 112 यूनियन बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्हीं के साइन के द्वारा या इन्हीं पर सामने पहले पेश की जाती है फिर ये पार्लियामेंट में उसको पेश करते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही लिखते हैं हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी यूनियन बजट नहीं लेगा आर्टिकल 123 ट्वेंटी थ्री पावर जब हमारे देखो जब हमारा एक सेशन चल रहा है सपोज करो ये हमारा बजट सेशन चला बजट सेशन के बाद हमारा कौन सा सेशन आएगा मानसून सेशन तो उसके बीच में एक ब्रेक होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं रिसेस क्या पता आपसे पेपर में पूछ ले रिसेस क्या होती है उस टाइम पे पार्लियामेंट तो होती नहीं ना तो कोई हाउस सेशन में होता है तो उस टाइम पे अगर कोई लॉ बनाना हो तो एक टेम्परेरी लॉ बनाया जा सकता है उसको हम ऑर्डिनेंस कहते हैं तो इसको डिटेल में हम बाद में करेंगे ऑर्डिनेंस जो होता है वो टेंप्रेरी लॉ होता है जो कि प्रेजिडेंट कर देता है बट प्रेजेंट ये खुद नहीं कर सकता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कहते हैं तो करता है बाद में जाके इसको परमानेंट कर सकते हैं लॉ को आर्टिकल 143 पावर ऑफ प्रेजिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट कुछ जुडिशियल मैटर्स में प्रेजिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के से कंसल्ट कर सकता है उसको हम आर्टिकल वन कहते हैं बट सुप्रीम कोर्ट जो इसको डिसीजन देगा वो जरूरी नहीं है इसको मानना ही पड़ेगा ठीक है सो वन फोर्टी में है आर्टिकल सिक्सटी में हमारा क्या है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इसको बड़े अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ इनको याद कर लेना आपने नेक्स्ट है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हमारी 79 से 112, 122 आर्टिकल के बीच में पड़ती है तो सबसे पहले आर्टिकल 80 है ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स आर्टिकल एटी वन कंपोजिशन हाउस ऑफ पीपल हाउस ऑफ पीपल का मतलब है लोकसभा यहाँ भी ये क्या है राज्यसभा आर्टिकल एटी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए मेंबर्स की आर्टिकल 88 राइट ऑफ मिनिस्टर अटॉर्नी जनरल के क्या होते हैं रिस्पेक्ट ऑफ हाउस आर्टिकल 93 स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की क्या पावर्स हैं 102 मेंबर्स को कब डिस्कवालीफाई किया जा सकता है 108 सौ आठ ज्वाइंट सीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट ज्वाइंट सिटिंग आपकी किस में होगी एक तो ऑर्डिनरी बिल में होगी है ना एक तो ऑर्डिनरी बिल में होगी और एक आपकी फाइनेंशियल बिल में होगी याद रखना कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और मनी बिल मनी बिल और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होता है सीए e. बोलते हैं आप उसको कॉन्स्टिट्यूश अमेंडमेंट बिल इन दोनों में आपका ज्वाइंट सेटिंग नहीं होता है आर्टिकल एक स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल बट जनरली आपका आर्टिकल 110 के अंदर ही आपका क्या आता है मनी बिल आता है ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है नेक्स्ट आता है 111 अभी हमने पढ़ा असेंट टू द बिल कौन करेगा प्रेसिडेंट करेंगे जी ठीक है ना और अगर आर्टिकल 200 बोलूं तो किसका होगा गवर्नर एक चीज का आपने ध्यान में रखना है कि प्रेजिडेंट के आर्टिकल और गवर्नर के आर्टिकल में ज्यादा फर्क नहीं होता सिर्फ कितना फर्क होता है एटी का सिर्फ 89 का सिर्फ एक आपका, आपका आर्टिकल है जो आपका ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो प्रेसिडेंट की 123 है और गवर्नर की जो है वो 213 तो दोनों में 89 का फर्क नहीं आता बाकी आप जितने भी करोगे उसमें 89 का फर्क आएगा आएगा 112 हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल एक प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स अप्रोप्रिएशन बिल जो हम करते हैं बिफोर द बजट जो हम होते हैं आफ्टर द बजट वो आपका 114 में आता है 117 स्पेशल प्रोविजन टू फाइनेंशियल बिल्स आपके आपके देखो मनी बिल जो होता है ना मनी बिल इज अ फाइनेंशियल बिल मनी बिल इज ए फाइनेंशियल बिल अब मनी बिल जो है वो फाइनेंशियल बिल होता है है ना अब आपके जितने फाइनेंशियल बिल कितने होते हैं आपके फाइनेंशियल बिल एक सौ एक के अंडर आते हैं और एक के अंडर आपका फ्री के अंदर आपका दो फाइनेंशियल बिल आते हैं तो हमारे टोटल फाइनेंशियल बिल कितने हैं दो फाइनेंशियल बिल हैं तो मनी बिल इज़ ए फाइनेंशियल बिल बट एवरी फाइनेंशियल बिल इज़ नॉट ए मनी बिल ये ध्यान में रखना है आपने तो ये जो फाइनेंशियल बिल हैं जो ये आपके एक 120 के अंदर आते एक सौ के अंदर आपके आते हैं जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है पार्लियामेंट में कौन सी यूज़ की जाएगी जनरली हम क्या यूज़ करते हैं हिंदी और इंग्लिश है ना हिंदी और इंग्लिश यूज़ करते हैं बट इसके अलावा अगर आपने कोई यूज़ करनी है तो आप स्पीकर से या हाउस से जो हेड है जो आपके बोलते हैं उनसे आपको पूछना पड़ेगा आर्टिकल 123, 123 मतलब 123 आपके ऑर्डिनेंस पावर सेम नेक्स्ट आता है आर्टिकल रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 में आते हैं जजिस की अपॉइंटमेंट जो एक्टिंग चीफ जस्टिस अगर आपको किसी को बनाना है जैसे कोई हमारा चीफ जस्टिस नहीं है तो हम एक्टिंग किसी को भी चीफ जस्टिस बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को तो वो आपका प्रेजेंट करेंगे और वो एक में आता है सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जितना भी कुछ सुप्रीम कोर्ट में होता है वो सब कुछ रिकॉर्ड होता है आजकल एक सौ उनतीस एक सौ इकतीस में ओरिजिनल जुडिक्शन आती है सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुडिक्शन क्या होती है अगर सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है दो स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है और दो स्टेट्स एक तरफ और सेंटर और स्टेट एक तरफ कोई एक स्टेट इनके बीच में कोई डिस्प्यूट होगा तो ये सारे डिस्प्यूट कैसे सॉल्व होंगे ये सुप्रीम कोर्ट करेगा ओरिजिनल जुडिक्शन का मतलब होता है सुप्रीम जो केसेज जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में ही जाएंगे वो उसकी ओरिजिनल जुडिक्शन में आते हैं आर्टिकल वन थर्टी थ्री एपीलेट ज्यूडिक्शन मतलब सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ अपील फ्रॉम हाई कोर्ट से भी वो अपने केसेस अपने पास बुला सकता है और अदर केसेस भी अपने पास क्रिमिनल से हो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से हो सिविल मैटर्स हो सभी से वो केसेस अपने पास ले सकता है आर्टिकल 143 फोर्टी थ्री वी ऑलरेडी डिस्कड द प्रेजेंट कंसर्न द सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल थर्टी टू पावर ऑफ रिट नेक्स्ट एक्ट एक्ट्स रिलेटेड टू स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट काउंसिल मिनिस्टर में आएंगे तो जैसे हमने आर्टिकल सेवेंटी फोर किया था तो दैट इज सेम एज आर्टिकल सी एम इज अपॉइंटेड बाई गवर्नर ऑल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर है ना सेम चीज आ जाएगी एंड वन सिक्सटी सेवन इज सेम एज योर सेवेंटी एट देन सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है आर्टिकल वन सिक्सटी नाइन अबोलिशन एंड क्रिएशन ऑफ लेटिव काउंसिल आपने देखा होगा हमारे कुछ स्टेट्स में बाई कैमोलिज्म है बाइक कैमलिज्म का मतलब होता है क्या होता है बाई कैमलिज्म का मतलब होता है दो हाउसिस जैसे कि हमारे किस में है आंध्र प्रदेश में है तेलंगाना में है बिहार में है यूपी में है महाराष्ट्र में है कर्नाटका में है तो इन छह स्टेट्स में हमारा क्या है बाई कैमोलिज्म मतलब दो हाउसेज हैं दो हाउसिस क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल तो जिस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है वो कब किस में बनती है आर्टिकल 169 के अंडर बनती है लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट आर एबॉलिश्ड एंड क्रिएट उनको कैंसिल भी एबॉश भी इसी में किया जाएगा और क्रिएट भी इसी में किया जाएगा आर्टिकल वन में आर्टिकल वन राइट ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल ठीक है अब देखो यहाँ पे 200 आ गया आर्टिकल 200 सौ असेंट टू द बिल गवर्नर करेगा असेंट टू द बिल इन द स्टेट 201 बिल रिजर्व फॉर द कंसिड्रेशन अब ये मैं आपको बताता हूँ कि 201 के अंडर क्या होता है कि गवर्नर जो होता है वो किसी स्टेट बिल को प्रेसिडेंट की क्या कर सकता है प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है आर्टिकल दो के अंदर मतलब अब इसके ऊपर असेंट कौन देगा प्रेजिडेंट ही देगा ये ध्यान में रखना है तो 201 को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे बट अभी के लिए आप बस इसको समझ जाइए 204 सौ बिल 213 ये गवर्नर की ऑर्डिनेंस पावर प्रेसिडेंट की क्या थी 123 214 तेईस दो सौ फॉर स्टेट्स ठीक है ना हाई कोर्ट फॉर स्टेट्स एंड आर्टिकल 226 ये यहाँ पे गलती से टाइप हो गया आर्टिकल टू जो है वो आपका क्या पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स आपकी रिट्स जो हैं ठीक है हाई कोर्ट ऑफ रिट्स जो है वो आपकी आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट्स की रिट्स और जो आपकी सुप्रीम कोर्ट की वो किस में आती है आर्टिकल 32 के अंदर आती है अब बात करते हैं ट्रिब्यूनल्स की तो so, ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं वो दो प्रकार के ट्रिब्यूनल्स होते हैं एक आर्टिकल 323 थ्री ए के अंडर आता है जो कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं 323 बी जो कि आपके अदर मैटर्स से होते हैं जैसे ट्रिब्यूनल्स में आपको बताता हूँ जैसे इसका फॉर एग्जांपल एनजीटी जो 2010 में बना तो ट्रिब्यूनल्स होते हैं जो एक स्पेशल पर्पस के लिए सरकार जो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट या गवर्नमेंट बना देती है जो कि उसी से रिलेटेड क्या लेगी केसिस लेगी तो थ्री जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव uh, ट्रिब्यूनल्स हैं वो आपके थ्री ए में आते हैं और थ्री बी में आपके ट्रिब्यूनल्स विद अदर मैटर्स आते हैं उसके बाद है आर्ट का आर्टिकल रिलेटेड टू स्पेशल प्रोविजन टू सम स्टेट जैसे 371 स् में महाराष्ट्र और गुजरात की बात की है इससे ना क्वेश्चन आपका सी में आ चुका है पहले वो आपसे डायरेक्टली पूछते हैं थ्री सेवेंटी वन जी किससे रिलेटेड है मैच तो फॉलोइंग में देते हैं तो ये आपको ध्यान में रखने हैं थ्री सेवेंटी वन ए इज नागालैंड थ्री वन बी इज़ असम देन सी मणिपुर देन डी इज़ आंध्र प्रदेश स्टेट ऑफ तेलंगाना सेवेंटी वन ई इज़ यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश एफ इज़ रिलेटेड टू सिक्किम देन मिज़ोरम अरुणाचल गोवा कर्नाटका तो ये आपको ध्यान में रखना है इनको याद करना है आपको ठीक है ना और आर्टिकल 244 बात करता है जो शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल एरियाज़ होते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन से और यहाँ पे अगर आपसे कोई शेड्यूल्ड एरिया ट्राइबल एरिया की बात करें टू की बात करें तो ये आपका फिफ्थ शेड्यूल की बात कर रहा है यहाँ पर मतलब शेड्यूल ये वाला शेड्यूल्स की बात नहीं मतलब फिफ्थ शेड्यूल के अंडर इसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है और सिक्स शेड्यूल में किसकी बात की गई है सिक्स शेड्यूल में बात की गई है चार स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज की शेड्यूल एरियाज़ की नहीं ट्राइबल एरियाज की बात कर रहा हूँ तो आसाम आ गया मेघालय आ गया त्रिपुरा आ गया और मिजोराम आ गया तो इनके स्टेट्स की क्या बात की गई है इनकी बात की गई है ट्राइबल एरियाज की सिक्स शेड्यूल में ठीक है ना तो 244 -फौर बात करता है शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज की ठीक है क्लियर हो गया नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल्स रिलेटेड टू पंचायत तो पंचायत में 243 ए में पंचायत में ग्राम सभा है 243 बी में कॉन्स्टिट्यूशन है टू फोर्टी थ्री सी में कम्पोजिशन है टू फोर्टी थ्री ड्री पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जैसे थर्टी थ्री परसेंट सीट्स जो है वो रिजर्व है किसकी वुमन से रिलेटेड है e, है ना वन थर्ड सीट्स जो है वो एस सी और एस टी को अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन वहाँ पे सीट्स रिजर्व है टू फोर्टी थ्री ई ड्यूरेशन ऑफ पंचायत जो कि पाँच साल होगा है ना टू फोर्टी थ्री मेंबर डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं 243 जी जो हमारे 29 मैटर्स हैं आपने देखा होगा 29 मैटर्स जो हमारे इलेवेंथ शेड्यूल में है रिलेटेड टू पंचायत वो ट्वेंटी नाइन मैटर्स की बात टू फोर्टी थ्री जी में की है टू फोर्टी थ्री एच जो की बात करता है हमारे स्टेट्स के फंड की तो स्टेट से फंड आता है आपका किसको पंचायत को ये ध्यान में रखना टू फोर्टी थ्री एच के अंडर स्टेट्स को फंड आता है स्टेट से फंड आता है किसको पंचायत को मैक्सिमम यहीं से आता है और टू फोर्टी थ्री आई क्या बात करता है फाइनेंस कमीशन की बात करता है स्टेट का अपना फाइनेंस कमीशन होगा ना? होते है ना नेक्स्ट होता है अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आर्टिकल थ्री ट्वेंटी फोर दैट इज़ इलेक्शन कमीशन थ्री ट्वेंटी फिफ्टीन पब्लिक सर्विस कमीशन चाहे वो यू पी एस सी हो चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो आर्टिकल टू एटी जो कि फाइनेंस कमीशन से बात करता है टू सेवेंटी नाइन ए जी एस टी काउंसिल थ्री थर्टी एट आप थ्री थर्टी एट देखो ये ध्यान में रखना थ्री थर्टी ए और बी थ्री थर्टी एट क्या है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट देन शेड्यूल ट्राइव थ्री थर्टी एट ए और थ्री थर्टी एट बी तो हमने अभी एक सौ दो अमेंडमेंट एक्ट के अंदर हमने एन सी बी सी बिल लाया था ये अमेंडमेंट एक्ट है जिसके अंदर हमने Uh, आपका बैकवर्ड क्लासेस को भी कॉन्स्टिटलाइज किया था कमीशन को पहले ये स्टैचुरी बॉडी था बट अब जाके हमने इसको क्या कर दिया एज ए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बना दिया अंडर थ्री थर्टी एट बी ठीक है ना उसके बाद आपके सॉरी उसके बाद आपके कुछ और आर्टिकल्स हैंटिकल वन फोर्टी एट जो कि सी ए जी की बात करते हैं सेवेंटी सिक्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल वन सिक्सटी फाइव एडवोकेट अगर आपका ये अटॉर्नी जनरल सेवेंटी सिक्स है तो एडवोकेट जनरल स्टेट के लिए होते हैं ना स्टेट के हाइएस्ट लॉ ऑफिसर जो होता है गवर्नमेंट का लॉ ऑफिसर होते हैं ये एक तरीके से एडवाइस करते गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स में और एडवोकेट जनरल स्टेट को करेंगे टू के ये बताता है कि स्टेट का अपना खुद का क्या होगा जैसे आपने यहाँ पर देखो इसको आप देखोगे तो टू ई क्या बात करता है आई टू आई किसकी बात करता है फाइनेंस कमीशन की बात करता है उसी तरीके से आपका जो 243 फोर्टी के स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करता है आर्टिकल 249 ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने स्पेशली इसको ऐड किया है मैं इसको स्किप कर गया था बट ये मेरे को बाद में याद है मैंने ऐड किया इसको देखो पार्लियामेंट देखो हमारे पास सेवंथ शेड्यूल में जब आप बात करते हो तो सेवन्थ शेड्यूल के अंडर हमारे पास क्या है कि हमने स्टेट को आ, कंट्री को यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में डिवाइड किया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है हमने कि कौन सी पावर पे यूनियन बना सकती है कौन सी में स्टेट बना सकती है कौन से पे दोनों बना है अब हम कहते हैं कि स्टेट के लिस्ट पे सिर्फ स्टेट लॉ बना सकती है ऐसा नहीं होता पार्लियामेंट भी कुछ स्टेट लिस्ट के मैटर पे क्या कर सकती है लॉ बना सकती है पर वो किसके द्वारा अप्रूव होना चाहिए राज्यसभा के द्वारा अप्रूव होना चाहिए तो ये एक तरीके से राज्यसभा की एक एक्स्ट्रा एक पावर है जिसमें आपको अगर किसी स्टेट लिस्ट पर लॉ बनाना है तो सबसे पहले उसको कहाँ से अप्रूव करना पड़ेगा राज्यसभा से अप्रूव करना पड़ेगा और ये कौन से आर्टिकल के अंडर आता है आर्टिकल टू ध्यान में रखना है टू और आर्टिकल 312 भी एक राज्यसभा की पावर है कि ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे आपने आई ए की बात करते हो आई की बात करते हो और आई की बात करते हो ये आई एफ यहाँ पे फॉरेन सर्विसेज नहीं यहाँ पे फॉरेस्ट सर्विसेज है तो अगर किसी और को भी अगर हमने ऑल इंडिया सर्विसेज में लाना है तो आपको पहले वो बिल कहाँ पास करना पड़ेगा राज्यसभा से पास करना पड़ेगा ठीक है ना सो आई होप आपको ये सारे आर्टिकल अच्छे से समझ में आ गए होंगे अगर कोई भी डाउट आपको है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसको पेपर से पहले कर लीजिए ठीक है ना और चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इंस्टाग्राम टेलीग्राम और फेसबुक पे आप हमारे को ज्वाइन कर सकते हो आपको कोई भी डाउट है अगर किसी भी कोर्स से रिलेटेड है कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड है जीएस के किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मैसेज शेयर कर सकते हैं तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट